दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों आज की कथा है दुष्ट आदमी और मछुआरा। आइए कथा श्रवण करें। एक आदमी जाल से मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी ताजी मछली पकड़ी। फिर उस आदमी के पास एक दूसरा आदमी आया। दूसरे आदमी ने उसके हाथ से मछली छीन ली और मछली जैसे ही उसके हाथ से छीनी, उस आदमी ने बोला, क्यों यह मछलियां मैंने पकड़ी हैं? दूसरे आदमी ने कहा, चलो यह सारी मछलियां मुझे दे दो। आदमी ने अपनी शक्ति दिखाई और उस आदमी से सारी मछली छीन ली और वहां से चला गया। एक मछली थोड़ा थोड़ा जिंदा थी, उस मछली ने उसके उंगली में काट लिया। मछली छूट गई, उसकी उंगली में जख्म पड़ गया। आदमी वैद्य के पास गया, वैद्य ने उंगली में पट्टी कर दी। वैद्य ने आदमी से कहा, आप 3 दिन बाद मेरे पास आइए, फिर हम दोबारा जख्म को देखेंगे। 3 दिन के बाद दोबारा आदमी ने वैद्य को जख्म दिखाया। जख्म और ताजा हो चुका था। वैद्य ने कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो जख्म और बढ़ जाएगा। उस आदमी के पास और कोई उपाय नहीं था। वैद्य ने पूरे अंगूठे को काट दिया और फिर उसमें पट्टी कर दी। आदमी 3 दिन बाद फिर से वैद्य के पास गया, पट्टी खोली तो देखा जख्म और ताजा हो चुका था। वैद्य ने कहा, इसे पूरा काटना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा जख्म बढ़ सकता है। आदमी ने कहा, ठीक है, काट दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैद्य ने फिर से काटा और फिर से पट्टी कर दी और 4 दिन बाद आने को कहा। 4 दिन बाद वह फिर से वैद्य के पास पहुंचा, पट्टी खोली गई लेकिन जख्म बिल्कुल पहले जैसा ही था। वैद्य ने फिर से कहा, अब तो कुछ ज्यादा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ चला जाएगा। आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वैद्य से काटने को कहा। वैद्य ने फिर से काटा और पट्टी कर दी और फिर से कहा कि 4 दिन बाद उसके पास आए। 4 दिन बाद वैद्य ने देखा कि जख्म भरा ही नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। वैद्य ने फिर से आदमी से कहा, बाजू काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे शरीर में जख्म फैल सकता है। फिर क्या, बाजू भी काटनी पड़ी। फिर उसके किसी दोस्त ने उससे कहा, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? यह क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? शायद कुछ ना कुछ गलती तुमने की होगी। आदमी ने कहा, हाँ एक गलती तो हुई थी मुझसे, मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी लेकिन खाना मैंने चाहा। आदमी के दोस्त ने उससे कहा, भूल कर दी तुमने बहुत बड़ी, जाओ और उसके सामने अपनी नाक रगड़ो। आदमी दौड़ा दौड़ा उस आदमी के पास गया जिसके पास से उसने मछली छीनी थी। इस आदमी ने उस आदमी से पूछा, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें कोई तंत्र मंत्र विद्या आती है? क्या किया तुमने मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी क्या? इसके सवाल पर उस आदमी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, किसी ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू भी उसे अपनी ताकत दिखा दे। दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की मेहनत पर अपना हक नहीं जताना चाहिए और ना ही दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करने जाएंगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।